हेलो भैया, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ आटा चक्की। ये आटा चक्की है, मिनी आटा चक्की है ये। तो आज इसके बारे में पूरी जानकारी दूंगा, इसका प्राइस बताऊंगा और ये बताऊंगा ये कैसे आएगी। इसका नंबर दूंगा आपको, तो आप देख सकते हो इसमें ये आई थी। चलो तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी ऐसी वीडियो लाता रहूँगा। तो देख सकते हो ये आटा चक्की, ये यहाँ पर इसमें नॉच डलता है और ये इसका स्विच है। इसमें ऐसे ऐसे फिल्टर, जो आप मोटा पीसना हो, पतला पीसना हो, कोई मसाला पीसना हो आपको, तो दिखा दूँ मैं आपको। इसमें हैंडल दे रखा है, ये देख सकते हो आप। इसमें आपका चून जाएगा पीसकर और यहाँ से आपके फिल्टर चेंज हो गए। देख सकते हो ये यहाँ से आपके फिल्टर चेंज हो जाएगा। इससे यहाँ पर आप कोई से भी चेंज कर सकते हो बड़े आसानी से। ऐसे ऐसे पूरे 8 दिए गए हैं, वे मैं आपको बताऊंगा कौन सा कब लगाना है। तो इसे फिलहाल बंद कर दो। बंद कर दिया है। अभी मुझे डंगरों का हाड़ा पीसना है, मतलब मोटा पिसाई। तो एक इसमें फीचर और दे रखा है, जैसे ये आपने प्लग लगा के दिखाता हूँ मैं आपको। थोड़ा सा पीस कर ये लगा दिया, ये ऑन कर दिया, चक्की चलेगी नहीं। क्यों नहीं चलेगी? जब तक आप इसको बंद ना कर दो, जब तक आपकी चक्की नहीं चलेगी। इसमें लाइट दे रखी है आपकी, ये लाइट मतलब ये ऑन है, लेकिन जब चलेगी ये बटन दे रखा है, इसकी वजह नहीं चलने की। जब तक ये यहाँ पे अटैच ना हो जाए ये चक्की चलने की नहीं। मैं आपको दिखा दूँ, देख सकते हो आप आलोग बिल्कुल। इसमें ए ये स्टार्ट हो गई, इसकी आवाज़ देख लो, ये स्टार्ट हो चुकी है। ये नॉज अंदर जा रहा है इसका, ठीक। इसमें आपको ये ब्रश भी दिया गया है, इससे आप इसके फिल्टर जो है मतलब पतला मोटा पिसाई करने के लिए जो इसमें दे रखे हैं उनको भी साफ कर सकते हो। तो चलो इसे हम बंद कर दे। बंद भी आपको ऐसे नहीं करना, जरूरी नहीं आपको चटनी दबानी है। इसे आप खोल कर ये ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा आपका। ये देखो हो गया बंद। तो ये है यहाँ पर आपके इसमें आटा जाएगा। और जैसा कि इसमें अगर ये आपका ख़त्म हो गया तो इसमें आपके खुद ही ऑटोमेटिक, जैसा आपका ये आटा इसमें ये नॉच ख़त्म हो गया तो आपके यहाँ साइड में से आवाज़ जाएगी कि आपका ये नॉच जो है ख़त्म हो चुका है, इसे आप बदल दो। मतलब ऐसे ऐसे नहीं बोलना, लेकिन एक आवाज़ से आएगी, सिट्टी से लगेगी, तो इससे आपको पता चल जाएगा। तो अगर हम इसकी कीमत की बात की जाए तो ये 14,400 में आपकी आती है। अगर हम इसके फ़िल्टर जो दे रखे हैं इनकी बात करें तो इसमें देखो 8 तरह के फ़िल्टर है। 0, 1, 1.5, 2, 3, 4, 5 है। 0 बारीक पापड़ के लिए, रोटी, या आप देख सकते हो खुद आपको दिख रहा होगा, गेहूं, ज्वार, लड्डू, सबके लिए अलग अलग तरीके से दे रखा है। तो ये इसके साथ बुक आई थी, ये भी आपको दिखा दूं मैं। ये 5 डिज़ाइन में उपलब्ध है। एक HP का इसमें मोटर दे रखा है आपको, जो इलेक्ट्रिसिटी जो इसमें कंज्यूम है करेगा वो 0.75 पर आवर अप्रोक्स। मतलब ये कहना चाहता है कि अगर आप इसे पूरा 1 घंटा चलाओगे पिसाई पर तो सिर्फ ये आपके 0.75 यूनिट लेगा 1 घंटे। मतलब लगभग वो आपके यूनिट यूनिट के ऊपर हिसाब है, आपके गांव में क्या यूनिट है, यहाँ पर तो 3 रुपये है, तो बस ये 1 घंटे में ज़्यादा से ज़्यादा 3 रुपये ले सकता है एक में। और जो पिसाई करेगा वो आपकी करेगा लगभग ये पिसाई 1 से 2 धड़े के करीब कर देगा, 8 किलो आसानी से कर देता है। अगर इसे हम वेट की बात की जाए तो इस मशीन में पूरा आपको 48 kg तक वेट दे रखा है, ये देख सकते हो आप। गेहूं का आटा 5 से 10 किलो पीस सकता है 1 घंटे में पिसाई, 1 घंटे में पिसाई की क्षमता, ये आप देख सकते हो, पूरा दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पर। यूनिट 0.75, चाहे आप कुछ भी पीस लो। तो मुझे काफ़ी अच्छी मशीन लगी, दिखने में बढ़िया है। ये वारंटी कार्ड इसका 1 ईयर तक मोटर की वारंटी दी गई है। इसको जो इसको मोटर में कुछ दिक्कत आए तो आपको ये चेंज कर देंगे। तो बस आज की वीडियो में यहाँ तक ही था। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी ऐसी वीडियो लाता रहूँगा। और जो इसके नंबर है जहाँ से आपको मंगाना है ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जो मेरा टाइटल है उसके पर क्लिक करो और आपको मिल जाएगा।